जस्ट प्ले स्पोर्ट्स टीम इस वक्त 5 किलोमीटर्स के फर्स्ट एंड सेकंड विनर्स के साथ है, अमन और रोहित. रोहित आप फर्स्ट आए हैं, कंग्रेचुलेशंस. थैंक यू मैम. कंग्रेचुलेशंस. थैंक यू मैम. आप सेकंड आए हैं. यस. तो रोहित, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब वहाँ आप स्टार्ट लाइन पे खड़े थे, yeah. उस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा था? मेरे दिमाग में तो कुछ नहीं था, बस ये है कि फिनिश करना है, सही टाइम में करना है. तो मतलब ये तो ध्यान है कि फर्स्ट आऊँगा बस. इससे पहले कभी आपने किसी मैराथन में पार्टिसिपेट किया? हाँ, 2-3 मैराथन में पार्टिसिपेट करा. एक में प्ले क्या रन फॉर लाइफ का था, उसमें 5th आया था. अरे एक उम्मीद ड्रॉप का था, उसमें 6th नंबर पर आया था. तो इससे पहले आपने 2 मैराथन में पार्टिसिपेट किया है. तो कितने किलोमीटर्स किया आपने वहाँ पे? तो वहाँ 10 किलोमीटर करी थी रन फॉर लाइफ में. तो इंडिया गेट वो क्या उम्मीद रन, उसमें मैंने 2 किलोमीटर की करी थी. 2 किलोमीटर की. तो यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? यहाँ पे ठीक रहा. फिर भी अपनी जो भी फीलिंग्स आपकी आपके दिल और दिमाग में जो भी चीज़ें चल रही थी, हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ शेयर करें. नहीं, दिमाग में ऐसे कुछ नहीं था. जो बस ये था कि सही टाइम पे फिनिश करना, अच्छा टाइम, बेस्ट टाइम देना अपना. जब आप स्टार्ट लाइन पे पहुंचे और आपको ये रियलाइज हुआ कि आप फर्स्ट आए हैं, तब क्या? बहुत खुशी हुई थी. पर लेकिन मेरा बेबी नंबर भी मैं लेके नहीं आया था. बेबी नंबर घर पर ही छोड़ दिया था मैंने. तो फिर मेरे को लगा नहीं कि देंगे नहीं देंगे पोजिशन की वो ट्रॉफी. यहाँ पे इतने सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, तो उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहोगे? और छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्होंने अभी से रनिंग स्टार्ट कर दिया है और आगे इसको अपना फ्यूचर देखना चाहते हैं रनिंग को, तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे? उन अच्छे हैं, वो ऐसे हर बार मतलब मैराथन में पार्टिसिपेट करें और करते रहें. जैसे करके अगर बीच में अगर छोड़ देते हैं फिर नहीं कर पाएंगे, अगर रेगुलर करेंगे तो कुछ बन जाएंगे आगे जाके. थैंक यू सो मच रोहित, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. थैंक यू मैम. तो अमन, आपसे जानना चाहूँगी मैं कि आपने जब रन फॉर लाइफ टैलेंट की खोज के लिए अपना पार्टिसिपेशन किया, yes, तो उस वक्त क्या था दिमाग में कि 5 किलोमीटर्स में कर रहा हूँ तो जीतूँगा या नहीं जीतूँगा, क्या वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं? मैम, जब भी मैं कंपटीशन में जाता हूँ मेरा पहले सेट होता है कि मेरे को फर्स्ट मारना है, तो उसी हिसाब से मैं जीतता हूँ. लेकिन कई बार हुआ है, एक ही बार मैं फर्स्ट रैंक मार पाया हूँ, लेकिन बाकी मेरा सेकंड थर्ड यही होता है हर बार. तो यहाँ पे जब स्टार्ट लाइन पे आप खड़े थे और इतने सारे और भी लोग आपके साथ खड़े थे, उस टाइम पे क्या चल रहा था दिमाग में? दिमाग में ये था कि मेरे साथ के भी और बहुत लड़के हैं, कॉम्पिटिटर हैं, अच्छे अच्छे देखने में लग रहे थे कि हाँ कॉम्पिट दे सकते हैं. लेकिन जब एक बार जब दौड़ते हैं, दिमाग में होना चाहिए कि बस हमें जीतना है. कहीं डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए अपने आप में, कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने अंदर, तभी एक एथलीट जो कामयाब होता है, वरना फिर कॉन्फिडेंस के अलावा कुछ नहीं हो सकता. इससे पहले आपने कितनी मैराथन्स में पार्टिसिपेट? दैट्स माय मैम 31st मेडल. दिस इज योर 31st मेडल. कांग्रेचुलेशंस. थैंक यू मैम. तो इससे पहले की एक्सपीरियंस हम चाहेंगे कि आप शेयर करो. मैम, इससे पहले का एक्सपीरियंस ये है कि मैंने 2014 में मैम रनिंग स्टार्ट करी थी मैम, और क्या बोलते हैं ये बस 2014 से मेरा ये चलता आ रहा है जब से. और मेरा सपना है कि मेरे डैड का सपना है कि मैं आर्मी में जाऊँ, किसी हाई लेवल पोस्ट में, लाइक मिल्खा सिंह जी, वो भी आर्मी में ही थे. मैं वो तो मेरे आइडल हैं, भगवान मानता मैं उनको. अपने भगवान के साथ मैंने उनकी फ़ोटो लगा रखी है, रोज़ उनके आगे मैं हाथ पैर जोड़ के आता हूँ सवेरे. तो वो तो मेरे भगवान की तरह, सिर्फ उन्हीं को देख के जो है मेरे दिल में बैठ गई बात. पहले मैं क्रिकेट खेलता था, मैं जब भाग मिल्खा भाग देख के आया था, मैंने बैट वैट फेंक दिया. अगले दिन से मैंने कहा जूते पहन के दौड़ूंगा मैं दौड़ूंगा, मैं एथलीट बनूंगा. एक मेरा सपना बन चुका है कि 2020 का ओलंपिक मैं खेलूंगा. हम भी उम्मीद करते हैं कि आप ज़रूर 2020 का ओलंपिक खेलें और जीतें. जिस मैम, थैंक यू सो मच अमन, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. थैंक यू. थैंक यू.